नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल की व्याख्या करना। पैमाने का प्रतिफल सिद्धांत वास्तव में दीर्घकालीन उत्पादन के नियम है। हम जानते हैं कि दीर्घकाल में उत्पादक के पास इतना समय होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति कर सकता है, अर्थात दीर्घकाल में उत्पादक उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी दोनों की मात्रा बढ़ा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका उत्पादन का पैमाना ही पहले से बढ़ जाता है, अर्थात उसका स्केल बढ़ता चला जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल बढ़ जाता है, और इस पर जो प्रोडक्शन का लॉ काम करता है, उत्पादन का सिद्धांत काम करता है, इसे रिटर्न टू स्केल या पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। अर्थशास्त्रियों ने देखा कि जब उत्पादन के साधन को एक निश्चित अनुपात में हम बढ़ाते हैं तो उस निश्चित अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उस अनुपात से अधिक अनुपात में उत्पादन होता है। दूसरे शब्दों में, जिस अनुपात से साधनों को बढ़ाया जाता है उस अनुपात से अधिक अनुपात में यदि उत्पादन हो तो हम इसे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे। दूसरा सिद्धांत है, जिस अनुपात से उत्पादन के साधनों को हम बढ़ाते हैं उस अनुपात में ही उत्पादन बढ़े तो हम इसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत हमें यह कहता है कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है उस अनुपात से कम अनुपात में यदि उत्पादन बढ़े तो उसे डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहा जाएगा। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत दीर्घकालीन उत्पादन में तीन लॉ काम करते हैं। प्रथम, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, दूसरा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, तीसरा हमारे पास ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। पहला, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल का तात्पर्य है जिस अनुपात से साधनों को बढ़ाते हैं, मान लीजिए श्रम और पूंजी को हमने दुगना कर दिया तो उत्पादन दुगना ना होके तीन गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पादन के पैमाने को आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूटिलिटीज, जिसके परिणाम स्वरूप जिस अनुपात से साधन बढ़ाते हैं उस अनुपात से अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। वहीं कांस्टेंट में के अंतर्गत जिस अनुपात से उत्पादन के साधन को बढ़ाते उस अनुपात में ही उत्पादन बढ़ता, क्योंकि यहां पर इकोनॉमीज ऑप्टिमम हो जाती है, अनुकूलतम हो जाती है, यानी बाजार से या पैमाने से मिलने वाली जो आंतरिक मितव्यताएं होती हैं वो सबसे ज्यादा मिलने लगती हैं, इसलिए हमारे पास पैमाने का स्थिर प्रतिफल कार्य करता है। और जब हम उत्पादन की मात्रा और बढ़ाते हैं, उत्पादन के संसाधनों को और बढ़ाते हैं तो ऑप्टिमम स्टेज टूट जाता है। एक स्केल की क्षमता होती है, एक उत्पादन के पैमाने की क्षमता होती है, उस क्षमता से जब हम अधिक कार्य लेने लगते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो इकोनॉमीज होती हैं, जो मितव्यता होती है वो अमितव्यता में परिवर्तित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ाते हैं उस अनुपात से कम अनुपात में उत्पादन बढ़ता है।
इन तीनों सिद्धांतों को जब हम जोड़ देते हैं तो यही सिद्धांत ही हमारा रिटर्न टू स्केल प्रिंसिपल बन जाएगा। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं रिटर्न टू स्केल यानी पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल, हम जानते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक साधन कार्य कर सकते हैं। यहां पर Q आपका आउटपुट है यानी उत्पादन है, K आपका कैपिटल है और L यहां पर लेबर है। F फंक्शनल रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच का? पूंजी श्रम का उत्पादन के मध्य, अर्थात इन दोनों के मध्य एक प्रकार की तकनीकी संबंध पाया जाता है। इन दोनों के मध्य तकनीकी संबंध का तात्पर्य यह होता है कि जब हम पूंजी तथा श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम उत्पादन के दोनों साधनों को बढ़ा सकते हैं, अर्थात जब पूंजी को बढ़ाते हैं या श्रम को बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ता है। यानी दीर्घकाल में हमारे पास जो पैमाना होता है वो बड़ा होता है जिसके अंतर्गत दोनों साधनों को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हम उत्पादन के दोनों साधन पूंजी एवं श्रम को दुगुना करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य मितव्यता मिलने के कारण उत्पादन हमारा दोगुना से ज्यादा तेज बढ़ जाता है। इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, प्रतिफल। वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल का तात्पर्य होता है कि जब पूंजी तथा श्रम की एक निश्चित मात्रा को हम बढ़ाते हैं तो उत्पादन उस निश्चित मात्रा से ज्यादा अनुपात में बढ़ता है, अर्थात उसमें आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं कार्य करने लगती हैं, इसलिए ऐसा पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से इसे। रेखा चित्र में आधार अक्ष पर हमने लेबर को ले लिया, लंब अक्ष पर हमने कैपिटल को ले लिया। ये हमारे पास एक टेक्निकल रिलेशनशिप यानी स्केल लाइन है, उत्पाद रेखा भी हम इसको कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, इसको हम स्केल लाइन कहते हैं, ओ एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा प्रथम आइसो प्रोडक्ट कर्व 100 है। मान लीजिए हम इसके ए बिंदु पर संतुलन में रहते हैं, यहां पर श्रम की एक मात्रा और पूंजी की एक मात्रा लगाते हैं। मान लीजिए श्रम एवं पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम बी पॉइंट पर आते हैं, यहां श्रम की मात्रा दुगुना कर दिए और पूंजी की मात्रा भी दुगुना कर दिए। तो जब श्रम एवं पूंजी की मात्रा दुगुना है तो वास्तव में उत्पादन भी दुगुना होना चाहिए। आइसो प्रोडक्ट कर्व शुड बी 200 बट हमको 300 प्राप्त होता है। जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा को तीन गुना कर देते हैं, 3 लेबर प्लस 3 कैपिटल, तो उत्पादन भी तीन गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है उसमें इम्प्रूवमेंट 600 का दिखाई पड़ता है। और जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा को बढ़ा करके 4 टाइम्स कर देते हैं, 4L और 4
के कर देते हैं तो उत्पादन जो है वो हमारा बढ़ करके वास्तव में 4 times होना चाहिए था, लेकिन यहां पर उत्पादन 1000 हो जाता है। इस प्रकार पहले हम देखते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज किया 200 यूनिट का, यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज किया 300 यूनिट का, यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज किया 400 यूनिट का। तो 200, 300, 400 इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा प्रोडक्शन। यहां पर लेबर और इनकी मात्रा में देखते हैं कि एक निश्चित मात्रा में श्रम तथा पूंजी की मात्रा 1-1 यूनिट बढ़ाई जा रही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल काम कर रहा है। हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में हम देखते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में हम देखते हैं क्या कि जिस अनुपात से उत्पादन के साधनों को हम बढ़ाते हैं, श्रम एवं पूंजी यानी दोनों को एक निश्चित अनुपात से जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उसी अनुपात पर उत्पादन भी बढ़ता है। सपोज दैट यहां पे हमने पूंजी को 2K कर दिया और लेबर को 2L कर दिया, ये 2 times दोनों को बढ़ा दिए, तो उत्पादन भी हमारा यहां पर कितना इंप्रूव हो गया, यहां पर 2 times इंप्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूंजी और श्रम को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ता है, क्योंकि यहां पर ऑप्टिमम स्टेज हो जाता है स्केल का, प्रोडक्शन स्केल का, प्रोडक्शन स्केल यहां पर ऑप्टिमम हो जाता है, इस कारण हमें ऐसा मिलता है। और जो हमारे पास इकोनॉमीज होती हैं, इकोनॉमीज ये क्या करती हैं, मैक्सिमाइज हो जाती हैं, अर्थात अब इससे ज्यादा इकोनॉमीज नहीं मिलती तभी ऐसा होता है। यहां पर हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को समझाने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास आधार अक्ष पर लेबर को लिया गया है और लंब अक्ष पर हमने कैपिटल को ले लिया है। हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत लंब अक्ष में कैपिटल को लेते हैं और आधार अक्ष पर लेबर को। ये हमारे पास उत्पाद रेखा है OS के नाम से, ये हमारे पास आईसो प्रोडक्ट कर्व 100 है। मान लीजिए हम ए बिंदु पर है, यहां पर एक श्रमिक और एक पूंजी लगाई जाती है, अर्थात ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक श्रम तथा एक पूंजी से उत्पादन हमारे पास कितना है, 100 है। अतः 1K+1L=100। जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा को दुगना कर देते हैं 2L और 2K, तो यहां पर हम आ जाते हैं बी बिंदु पर और हमारा उत्पादन आईपीसी 200 हो जाता है। इस प्रकार श्रम तथा पूंजी की मात्रा को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना हो जाता है। जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा को 3 गुना करते हैं तो 3L और 3K, तो उत्पादन भी 3 गुना बढ़ जाता है। और हम आ जाते हैं सी पॉइंट पर, यानी 1K+2L=200 और 3K+3L=300। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस लगभग बराबर, सभी में बराबर है, अर्थात ए बी डिस्टेंस ऑफ ये दिस इज इक्वल टू बी सी। अतः हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कार्य कर रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल चेक करते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसका तात्पर्य है कि यदि उत्पादन फलन के और एल है, यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन दो साधन के और एल का फंक्शन है, तो यदि उत्पादन के साधनों को यानी दुगना अगर हम पूंजी करते हैं और दुगना हम श्रम करते हैं तो उत्पादन दुगने से कम बढ़ रहा है। इसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं, क्योंकि यहां पर इकोनॉमीज जो होती हैं वो डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, अर्थात डिस इकोनॉमीज में
कन्वर्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप हम ऑप्टिमम स्टेज से नीचे की ओर जाने लगते हैं। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में हमने पुनः आधार अक्ष पर श्रम को ले लिया तथा लंब अक्ष पर हमने पूंजी को ले लिया। यहां पर उत्पाद रेखा ओएस है, उत्पाद रेखा ओएस है, ओ एक्स लेबर और यहां पर कैपिटल। यहां पर ओएस उत्पाद रेखा है, ये हमारे पास आईपीसी ए पॉइंट से एक श्रमिक तथा एक पूंजी को लगाने के बाद हम एक किलोग्राम पॉइंट पर है, जिससे उत्पादन 100 का है। जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा बढ़ा देते हैं, जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा बढ़ाकर 2L और 2K करते हैं तो उत्पादन हमारा 200 हो जाना चाहिए, लेकिन हम पाते हैं कि डिस इकोनॉमीज के कारण, ऑप्टिमल सिचुएशन टूट जाने के कारण मात्र उत्पादन 180 ही बढ़ पाता है एंड वी कम एट बी पॉइंट। जब हम उत्पादन के साधनों को 3L और 3K करते हैं तो इस प्रकार हम सी पॉइंट पे पहुंचते हैं और यहां पर आईपीसी हमारे पास 240 होता है। अतः उत्पादन बढ़ा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और जब हम श्रम तथा पूंजी की मात्रा को 4L और 4K करते हैं तो हमको वास्तव में होना चाहिए डी पॉइंट पर और आईपीसी के हम 280 स्तर पर पहुंच जाते हैं और हम डी पॉइंट पर। तो इस तरह देखिए कि यहां पर श्रम की और पूंजी की दुगनी मात्रा की गई, उत्पादन भी दुगना होना चाहिए 200, लेकिन यहां उत्पादन बढ़ रहा है मात्र 80। यहां पर श्रम की मात्रा फिर बढ़ाई गई, 1 लेबर एंड 1 कैपिटल बढ़ाया गया, तो उत्पादन भी बढ़ जाना चाहिए था, 3 टाइम्स उत्पादन होना चाहिए था, आईपीसी 300 होना चाहिए था, लेकिन उत्पादन मात्र 60 बढ़ रहा है। और यहां पर जब हम श्रम की मात्रा 4 टाइम्स और कैपिटल की मात्रा 4 टाइम्स की है तो प्रोडक्शन भी 4 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन कितना बढ़ रहा है मात्र 40। देखिए 80, 60 एंड 40, यानी जिस रेशियो से श्रम तथा पूंजी को बढ़ा रहे हैं उस रेशियो से वास्तव में उत्पादन नहीं बढ़ रहा, अतः डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल प्रूफ हो जाता है।